एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबू बाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, उनका ऑटोबायोग्राफी आज भी यंग जनरेशन को मोटिवेट करता है। तो कैसे एक सामान्य नाव चलाने वाले का लड़का इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और कैसे एक सफल प्रेसिडेंट बने जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा, तो आइए जानते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उस समय रामेश्वरम ब्रिटिश भारत मद्रास प्रेसिडेंसी से संबंधित था। उनके पिताजी का नाम था जैनुल आबेदीन और माताजी का नाम था श्यामा। उनकी जीवन पर उनकी बड़ी बहन जहरा और उनके साला अहमद जलालुद्दीन का बहुत प्रभाव था। एपीजे अब्दुल कलाम को छोटे से ही आकाश में उड़ने का शौक था। समुद्र तट पर बड़े होने वाले किशोर कलाम ने जब पक्षियों को आसमान में उड़ते देखा तो वह भी उनकी तरह खुले आसमान में उड़ना चाहता था। यह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि रामेश्वरम से सबसे पहले आकाश में उड़ने वाला लड़का था एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपनी शिक्षा स्वराज मैट्रिकुलेशन स्कूल रामनाथपुरम में शुरू की। वहां से उन्होंने अपनी सामान्य शिक्षा पूरी की और मद्रास विश्वविद्यालय के तहत सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में डिग्री प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने फिजिक्स से स्नातक किया, उन्होंने महसूस किया कि फिजिक्स उनके लिए उपयुक्त विषय नहीं था, क्योंकि वह समझ गए थे कि बचपन में उन्होंने जो आकाश में उड़ने का सपना देखा है वो फिजिक्स से पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने 1955 को मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट एडमिशन लेने का सोची, पर उस समय उनके पास MIIT का फीस भरने का पैसा नहीं था। तब उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने सोने के गहने बेच दिए और अब्दुल कलाम को एडमिशन के पैसे दिए। MIT में अध्ययन करते समय अब्दुल कलाम अक्सर अपने खाली समय में वहां पर छोड़े गए विमान के बगल में घंटों तक बैठे रहते थे, आकाश में उड़ने के अपने सपने को पुष्ट करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही वह बहुत प्रतिभाशाली नहीं थे, लेकिन बहुत मेहनती थे। MIT में एक बार उनके एक डीन उनके एक प्रोजेक्ट से खुश नहीं थे तो उनके डीन ने एक समय बाद दिया, उस समय के अंदर अब्दुल कलाम को अपना प्रोजेक्ट खत्म करना होगा, नहीं तो उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दिया जाएगा। तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट समय के अंदर ही खत्म कर दिया। MIT में अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद जीवन ने उनके लिए दो रास्ते खोल दिए और दोनों रास्तों में वह अपने सपने पूरे कर सकते थे। एक भारतीय वायुसेना की नौकरी थी और दूसरा भारतीय रक्षा मंत्रालय में तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशक था, और उन्होंने दोनों में ही एप्लीकेशन कर दिए। और इसी बीच उनका दोनों में से ही इंटरव्यू कॉल आया और दो इंटरव्यू स्थान एक दूसरे से 2000 किलोमीटर दूर था। जिंदगी में पहली बार उन्होंने हवाई जहाज पर सफर किया। फिर उन्होंने वहां पर दो इंटरव्यू देकर फिर रामेश्वरम लौट आए। वायुसेना के 25 कैंडिडेट के बीच में उन्होंने रन किया 9 और जगह थी सिर्फ 8। वो उस समय बहुत निराश हो गए थे तो भारतीय वायुसेना में उनका जाना नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें रक्षा मंत्रालय में बुलाया गया और वहां पे एक वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में शामिल हुए। यहीं से उनकी जीवन के उत्थान की कहानी शुरू होती है। यहाँ पर उनकी टैलेंट और काम के प्रति निष्ठा देखकर उनको इंडियन स्पेस रिसर्च कार्यक्रम में पोस्ट किया गया। वहां से उन्हें रॉकेट साइंस में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा गया। भारत की रॉकेट तकनीक उनके हाथों से बहुत सुधरी थी और उन्हें इंडियन मिसाइल मैन का खिताब मिला। 1998 में भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण पोखरण 2 उनके वजह से ही सफल हुआ। उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म भूषण और 1996 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह 15 अक्टूबर 1991 को 60 वर्ष के हो गए और अपनी रिटायरमेंट की प्रतीक्षा कर रहे थे। इच्छा गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की थी। उन्हें वहां पढ़ाने और अपने जीवन के अनुभवों को लिखित रूप में सहेजने की थी जो लोगों के लिए उपयोगी होगी, और उन्होंने किया भी वही। लेकिन उन्होंने 2002 से 2007 तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारत के दो सबसे बड़े दलों के विचारों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें लोगों में ज्ञान फैलाना पसंद था। उन्हें पसंद था जो उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखा उसको यंग जनरेशन में सिखाना पसंद करते थे। 27 जुलाई 2015 को वह मेघालय के शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बोल रहे थे। भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे बोलते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बेथानी अस्पताल ले जाया गया, जहां 6:45 बजे उनकी मृत्यु हो गई। 84 साल की उम्र में
देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले इस महान व्यक्ति का निधन हो गया। उन्हें 29 जुलाई को उनके जन्मस्थान रामेश्वरम में दफनाया गया था। देश की सेवा में अपने करियर के दौरान उनके परिवार के सदस्यों के पास अनगिनत पुस्तकों और देश के लोगों के प्यार की एक किताब थी। देश और देश के लोग उनके परिवार थे। उनकी मृत्यु पर भारत में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।